आपके पैसा ट्रांसफर हो जाता है, पता चलो 20 लाख रुपए का चेक आपके खाते में ट्रांसफर हो गया। आप घूमने चले गए मनाली, गए 6 दिन के लिए, पत्नी ने कहा और जाते हैं वहां कौन सी फैक्ट्री लगी आपकी, ये फैक्ट्री संभालनी तो है ना, दुकान आपके है नी, मुनीम आपने रख नहीं रखा, आपके पास काम क्या है, चलो आपने कहा 6 दिन नहीं और 6 दिन रुक जाते, और 6 दिन रुक जाते, और 6 दिन पूरा महीना रुक जाते हैं। महीने पर बात घर आते पता चला 20 लाख का चेक फिरा गया आपके, परेशान हो जाओगे खर्च करते। अगर सिस्टम की ताकत को समझ लिया तो ये पैसा आपको इतना देगा कि आप शायद उन्हें कैलकुलेट नहीं कर पाए, लेकिन उसके लिए आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा, सिस्टम को बनाना पड़ेगा। सिस्टम कौन बनाएगा? हम सब लोग। सिस्टम को बाहर से नहीं बनता है, हम ही लोग हैं। इस दुनिया में ट्रेडिशनल बिजनेस में कभी कोई व्यक्ति एक दूसरे की मदद नहीं करता, लेकिन आरसीएम के जो सिस्टम की पावर है उसमें हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करता है। एक व्यक्ति सेमिनार करता है, सारे लोग उस प्रोग्राम में बैठते हैं, वो उसकी डाउनलाइन है तो भी बैठते हैं और उनकी क्रॉस लाइन है तब भी बैठते हैं, लेकिन एक कॉमन प्रोग्राम होते हैं, उन कॉमन प्रोग्रामों की वजह से फायदा सबको पहुंचता है। एक ही जैसी बातें सबको बताई जाती है, आदतें बनाइए, हैबिट बनाइए, ताकि सिस्टम अपने आप आपकी जो आदत बन जाएगी उसके हिसाब से आपका बिजनेस काम करता रहेगा। और ये इनकम ऐसा नहीं कि यहाँ आई आते आते एक दिन आप दुनिया छोड़ के चले गए और आपके साथ आपकी इनकम भी खत्म हो गई। आप दुनिया छोड़ के चले जाएंगे आपके बाद आपकी पत्नी के नाम पैसा वसूल हो जाएगा। आपकी पत्नी भी अगर आपके साथ जाना चाहे तो आपके बच्चों के नाम पर इनकम वसूल हो जाएगी। एक दिन बच्चे बड़े होंगे, जाना उनको भी पड़ेगा, लेकिन आपके परिवार में इनकम कभी बंद नहीं। अपने आप काम कर रहा है, जो डुप्लीकेबल है, जो हमने बनाया सिस्टम तैयार हो गया, आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने सिस्टम से बनाया, आपको कभी परेशान होना पड़ता कि मेरा बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ाएगा कौन, कभी चिंता होती है? आपको पता है कि कोई ना कोई स्कूल खुलेगा, कोई ना कोई टीचर पढ़ाएगा, कोई ना कोई प्रोफेसर होगा वो पढ़ा देगा, आपको टेंशन नहीं इस बात की, क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है, एक सिस्टम है एजुकेशन का, वो सिस्टम बना हुआ है, इसलिए आपको कभी परेशानी नहीं होती। ठीक उसी तरह से इस सिस्टम की पावर को आपको समझना है, लेकिन सिस्टम गलत तरह से काम नहीं कर सकता, डुप्लीकेबल ही चीजें काम कर सकती है। कभी कभी हम लोग जाने और अनजाने में सिस्टम के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, वो डुप्लीकेबल नहीं होता, काम आगे खत्म हो जाता है, वो स्पीड रोक देता है। कई बार हमें लगता है हम ये काम करके हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन अगर गलत तरीके से कोई भी काम करोगे तो बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, वो आपको त्वरित लग रहा है, इंस्टेंट लग रहा है कि फायदा हो रहा है, लेकिन फायदा कम, भविष्य का नुकसान आपको ज्यादा हो रहा है। डुप्लीकेबल बनाओ, अच्छी आदतें टीम में डालो, ताकि वही आदतें नीचे से नीचे काम करें।